सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की। कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश, 10 दिनों में करे भुगतान, तकनीकी आधार पर ना करे खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में 7 फरवरी को करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। पंजाब सीएम पर बरसे सुखबीर सिंह बादल, बोले सबसे बड़े रेत माफिया हैं चन्नी, भतीजे के बाद अब उनकी बारी। गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, परेड में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिया था हिस्सा। संविधान बदलने के बयान पर केसीआर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करेगी कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की बड़ी घोषणा। श्रीनगर के चकुरा में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्करे तैयब और टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर। सीएम के चेहरे पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला मानेंगे सिद्धू, बोले आखिरी सांस तक रहूंगा राहुल गांधी के साथ। केरल में 38,000 से ज्यादा नए मामले, देश में संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 5,00,000 के पार। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, अगले 2-3 दिन बाद ऐसे ही रहेंगे हालात, आईएमजी ने किया अलर्ट। डिजी लॉकर पर उपलब्ध डिग्री और अन्य दस्तावेज माने जाए वैध, यूसीजी ने राज्यों और विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। स्टेशन से होगा वाहनों की फिटनेस जांच, मोटर वाहन नियमावली 1958 के संशोधन का मसौदा तैयार। पटना रिमांड होम मामले में रावड़ी देवी का सीधा हमला, बोली मुजफ्फरपुर कांड में भी शामिल थे ये लोग। बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, लालू ने गठबंधन से साफ किया इनकार। पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने की पुष्टि, राहुल गांधी करेंगे सीएम फेस का ऐलान, लुधियाना में होगी वर्चुअल रैली। सेना ने आखिरकार कोलकाता में खोला चौका, पीपीडी बाग मेट्रो परियोजनाओं के लिए सेना ने दी सुरंग बनाने की हरी झंडी। जेपी नड्डा का अमरोहा का कार्यक्रम रद्द, गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 3 बजे पहुंचेंगे गजरौला। अत्याधुनिक होगी रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था, डीजीपी मुख्यालय में मुख्य सचिव ने की समीक्षा। बदायूं में नहीं रुक रहा है टीकाकरण में फर्जीवाड़ा, अब कोरोना की बूस्टर डोज लगवाए बिना आ रहे मैसेजेस। साइबर हैकर ने कानपुर पुलिस को दे डाली खुली चुनौती, ट्विटर अकाउंट हैक कर बदला नाम। बुलंदशहर में
में शादी के नाम पर ठगी पत्नी नगद आभूषण लेकर हुई फरार। अमेठी में सपा के प्रत्याशी ने किया नामांकन, सपा का सभी सीट जीतने का किया वादा। भाजपा सांसद गीता शाह के जनसभा को किया संबोधन, भाजपा को भारी मतों से जिताने का किया आह्वान। बांदा में अनियंत्रित लोडर ने मारी दो लोगों को जोरदार टक्कर, एक की मौत गंभीर, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में अपना दल एसके प्रत्याशी ने कार्यालय पर किया उद्घाटन, कार्यालय में पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंची डिंपल यादव, पश्चिम यूपी में 50 सीट जीतने का किया दावा। सहारनपुर में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, आतिशबाजी को लेकर हुआ विवाद। सोनभद्र में विद्युत विभाग के लापरवाही से मासूम की मौत, करंट की चपेट में आया मासूम, मौके पर 4 वर्षीय बच्चे की मौत। सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, कलेक्ट्रेट पहुंचकर भरा नामांकन पर्चा। सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विकलांग युवक की हत्या का हुआ खुलासा। सफीपुर में बड़ा हादसा, डाल 112 की गाड़ी पर पलटा टैंकर, घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एक घायल। बलिया में चाकू लगने से युवक की मौत, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन। बस्ती में नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू, राजनीतिक दलों में देखी सरगर्मी। देवरिया में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, प्रत्याशी ने गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। फतेहपुर में विकास कार्यों की खुली पोल, पंचायत भवन बना जानवर बांधने का अड्डा। रायबरेली में मतदान जागरूकता रैली का आयोजन, बीएसएस शिवेंद्र ने किया रैली को रवाना। रायबरेली में अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। संभल में युवा नेता सुहेल का स्वागत, सपा को संबोधित करने पहुंचे नेता। अमेठी में सेना की वर्दी का बना मजाक, पूर्व सैनिक ने वर्दी पहनकर लगाई न्याय की गुहार, 213 में खरीदी गई जमीन पर नहीं मिला कब्जा। बस्ती में बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी, किसानों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। बीएसपी ने 54 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बलिया, रामपुर की नई सूची जारी, बस्ती संत कबीर नगर, महाराजगंज के प्रत्याशी हुए घोषित।
किसी के घर पर या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पेंटिंग किया तो होगी कार्रवाई। कानपुर में चुनावी जुलूस में गूंजे पाकिस्तान के नारे, सपा प्रत्याशी ने दी सफाई। बहराइच में 1 लाख का इनाम माफिया गब्बर सिंह साथी संग गिरफ्तार, एसटीएफ ने दबोचा। गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले कार्यकर्ता खुद बनाए संबल। सियाचिन में तैनात सैनिकों को माइनस तापमान पर मिलेगी गर्मी, वाराणसी के बच्चों ने बनाए अनोखे दस्ताने और क्या। चमोली में मैक्स वाहन खाई में गिरा, दुर्घटना में 3 युवकों की मौत। राहुल गांधी बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, वर्चुअल करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी बोले हर की पैड़ी में डुबकी लगाने से नहीं धुलेगी राहुल के पाप। नैनीताल आ रहे पर्यटकों के लिए बड़ी खबर, रास्ते के ठीक होने तक नहीं मिलेगी वाहनों को एंट्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 से 8 फरवरी तक रहेंगे हरिद्वार में। बंसल ने मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, बोले जेब में दूसरी टोपी रखते हैं कांग्रेस के नेता। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने दिए निर्देश, पर्यटकों से की अपील। हरिद्वार में पुलिस ने 11 वाहनों को दिखाई हरी झंडी, सड़क हादसे में मददगार होंगे वाहन। रुड़की में भाजपा प्रत्याशी का हुआ भव्य स्वागत, भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने किया जनसंपर्क। जीवन हुआ अस्त व्यस्त, बर्फबारी से ढके चमोली के 150 से ज्यादा गांव, लगातार हो रही बर्फबारी से कई सड़कें हुई बंद। आठ मई को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट, टिहरी राज दरबार में तय हुई तारीख। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से जीवन प्रभावित, 36 से ज्यादा सड़कें बंद। हल्द्वानी की हॉट सीट पर भाजपा जीत के लिए और कांग्रेस गढ़ बचाने की जोर आजमाइश। नैनीताल जिले में बच्चों के टीकाकरण में सुस्ती, महीने भर में 67% को ही लगी वैक्सीन। उत्तराखंड के बर्फ में फंसी एम्बुलेंस देवदूत, बन पुलिस ने वाहन में ही कराया प्रसव। भारत के लिए नई साजिश रच रहा पाकिस्तान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से मांगा सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन को मजबूत बनाने पर जोर। अमेरिका की सरहद की सुरक्षा करेंगे रोबोटिक श्वान, रक्षाकर्मियों की क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा कदम। अफगानिस्तान में रंग लाई भारत की कूटनीति पहल, तालिबान ने पाक को दिखाया आईना, कहा नहीं खराब करेंगे भारत से संबंध। यूएई ने लागू किया नया श्रम कानून, भारतीय कामगारों को मिलेगी सुविधाएं। रूस व यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए मैक्रो जाएंगे मास्को और कीव। पेरू में हादसा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाजका लाइसेंस के पास प्लेन क्रैश में 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोगों की मौत। अमेरिका में हुई फूलों की किल्लत, शटडाउन के चलते लोगों ने कारोबार बदला, शादियों और वैलेंटाइन डे के लिए 2 गुने दाम पर भी नहीं मिल रहे फूल। चीन के खिलाफ सड़कों पर यूरोप, शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन याद दिला रहे तिब्बत, हो गई निर्वाचित चीनी कलाकार के पोस्टर बने हथियार। एलन मस्क की टेस्ला को भारत की डॉट ट्यूब, नहीं घटेगी इंपोर्ट ड्यूटी। टू प्लेटफॉर्म्स इंक में निवेश करेगी जियो, सिलिकॉन वैली के डीप टेक स्टार्टअप में 112 करोड़ का निवेश, दोनों कंपनी एआई मेटावर्स पर करेंगी काम। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी, रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट पर स्टडी की शुरू, इस साल 500 स्टेशन रीडेवलप का प्लान। ओप्पो रेनो 7 सीरीज लॉन्च, इसमें रेनो 7 और रेनो 7 प्रो 5G स्मार्टफोन शामिल, कीमत 28,999 रुपए से शुरू। टेस्ला को नहीं मिलेगी टैक्स में छूट, एलन मस्क के इंडिया में एंट्री के प्लान को लगा झटका, सरकार ने टैक्स छूट की मांग खारिज की। फिटनेस प्रमुख पेटीएम लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जाने, पेटीएम का घाटा बढ़ा लेकिन राजस्व में 89% उछाल। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, अगले साल से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही मान्य होगी फिटनेस। ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारत में भी दिखा, सेंसेक्स 143 अंक टूटा। क्रिप्टो बाजार का मार्केट काम घटा लेकिन बिटकॉइन और इथोरियम में अच्छा उछाल। होली पर कई ट्रेनों में छोड़ी जाएंगी एक्स्ट्रा बोगी, और रेलवे ने कर दी है तैयारियां शुरू, उसके लिए मॉनिटरिंग सेल का हुआ संगठन। Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच महामुकाबला, टीवी पर ऑनलाइन देख सकेंगे लाइव। आईपीएल के मीडिया राइट से मालामाल हो सकता है बीसीसीआई, 40,000 से 45,000 करोड़ तक बिक सकते हैं राइट स्टार और सोनी रेस में सबसे आगे। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, सीएम गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली कल करेंगे शिलान्यास, 280 करोड़ में होगा पहले फेज का निर्माण।
विंटर ओलंपिक का जोरदार आगाज। ओलंपिक सेरेमनी में तिरंगा लेकर उतरे कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान। आतिशबाजी से सजा रहा रंगारंग आयोजन। पाक में ओलंपियन पर 10 साल का बैन। हॉकी में मुल्क को ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले राशिद पर सख्त एक्शन। चौबीस साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया। जारी हुआ सीरीज का पूरा शेड्यूल। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी कंगारू टीम। जस्टिन लैंगर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच के पद से दिया इस्तीफा। सीएम से बैठक के बाद लिया फैसला। शुरू होगा वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई अध्यक्ष राहुल गांगुली ने खुद किया कंफर्म। रोहित के लिए खतरा बन सकते हैं पृथ्वी शाह। ईशान किशन ऋतुराज गायकवाड़ दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स में है शुमार। भारतीय मूल के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई जीत। अंडर 19 वर्ल्ड में भारतीय मूल ने निवेदन राधाकृष्णन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर तीसरे स्थान पर। विजय की नई रिलीज डेट का ऐलान। इस दिन सिनेमा घरों में आएगा शाहिद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक। उर्वशी रौतेला ने शिमर ड्रेस में बिखेरा जलवा। पुल के पास खड़ी होकर पोज देती आई नजर। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा का ट्रेलर देख भड़के लोग। आलिया भट्ट के एक डायलॉग को बताया नस्लवादी। राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे विक्की कौशल। मार्च में शुरू होगी शूटिंग। मधुबाला की बहन पर बहू का सितम। 96 साल की कनीज बलसारा को घर से निकाला बिना पैसे दिए ही प्लेन में बिठाकर ऑकलैंड से मुंबई भेजा। गंगूबाई का ट्रेलर रिलीज। पहली बार फीमेल कैरेक्टर रजिया बाई के रोल में दिखेंगे विजय राज। आलिया अजय समेत इन सेलेब्स का भी दिखेगा दमदार किरदार। तैमूर अली खान ने स्कूल के बाद किया मम्मी पापा के साथ लंच। फूड पैकेट लेकर सड़क पर चलते आए छोटे नवाब। रॉय ने शादी में पहनी थी 22 कैरेट गोल्ड की टेम्पल ज्वेलरी। सोने के हार पर बने गणपति देवी लक्ष्मी। नोरा फतेही की इंस्टाग्राम पर वापसी। बताया क्यों डिलीट किया था इंस्टाग्राम अकाउंट। सुहाना खान अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार। जोया अख्तर के ऑफिस पहुंची शाहरुख खान की लाडली। दुनिया की 100 बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस।